नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मेरा नाम है सुरेश जाट। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से हम आपको उन किसान भाइयों से मिला रहे हैं जो कि एक से ज़्यादा ट्रैक्टर अपने पास रख रहे हैं, और ट्रैक्टर लेने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया और ट्रैक्टर एक किसान भाई की ज़िंदगी में क्या बदलाव लाता है, ये बात आपको पिछले काफ़ी वीडियो में हमने दिखाई। तो इसी क्रम में आज मैं आ गया हूँ राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के गज सिंहपुर में, जहाँ पे हम यादव साहब के पास आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इनके पास कितने ट्रैक्टर हैं और ट्रैक्टर के क्या क्या ये इस्तेमाल करते हैं और कौन सा ट्रैक्टर इनको सबसे बढ़िया लगता है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी आपको डिटेल से, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। सर नमस्कार। नमस्कार जी, थोड़ा सा पूरा नाम बता दीजिए सर पहले। मेरा नाम सुरेंद्र यादव है, जिला मेरा श्री गंगानगर, शहर मेरा गज सिंहपुर जी। तो मैंने सुना कि आपके पास 15 से 20 ट्रैक्टर हैं। हाँ है जी, सारी कंपनी ट्रैक्टर, सोनालिका, कपोटा, इंडो फार्म, सब प्री ट्रैक्टर है। क्या बात है, किसी कंपनी को नहीं छोड़ा, कोई कंपनी फोर्स करती है, लेना पड़ता है। सारे ट्रैक्टरों की अगर बात की जाए तो खेती में इस्तेमाल करते हैं या फिर किस लाइन में इस्तेमाल? हमारी लोडिंग में चलती है, ट्रॉली पे। अच्छा, ट्रॉली पे चलाते हैं, खेती में चलते हमारे। अच्छा, मतलब खेती का, तो मतलब खेती का क्वेश्चन तो आपसे मेरे को करना ही नहीं, क्योंकि आप चलाते ही नहीं है। चलाते नहीं, खेती में चलते। ठीक है, तो लोडिंग में सिर्फ खिंचाई, माल खिंचाई में। ठीक है, तो आपके पास जैसे अभी एक दो तीन चार सोनालिका के दिख रहे हैं, उधर कुबोटा पड़े हैं, अभी यहाँ से इंडो फार्म निकला है, तो चार सोनालिका। दूसरे कितने कितने ट्रैक्टर कौन कौन सी कंपनियों के हैं? तो चार तो सोनालिका के हैं, तीन प्री ट्रैक्टर हैं, एक इंडो फार्म, चार कुबोटा ट्रैक्टर मेरे पास। चार कुबोटा, यानी कि सोनालिका और कुबोटा इक्वल चल रहे हैं? इक्वल चल रहे हैं जी। बढ़िया बात। अगर बात की जाए सोनालिका ट्रैक्टर की, तो माइलेज में और वजन खिंचाई में कैसे हैं? अच्छे ट्रैक्टर हैं, माइलेज भी सीखन की, तो लोडिंग में वजन भी ठीक है, ट्रैक्टर हैवी ट्रैक्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं इनमें। तो यहाँ पे 745 है, ये महाराजा है शायद, इसका तो अभी तक आप बता रहे हैं मुहूर्त ही नहीं करा है, नहीं हुआ इसका अभी तक। ये टाइगर पुराना है, वो आगे वाला टाइगर नया है? नहीं। अच्छा, दोनों के मुहूर्त बाकी हैं? बाकी है। जल्दी आगे, थोड़ा लेट आते, मीठे खा के जाते हैं, मिठाई अभी खिला देते हैं, मिठाई के। तो हमने मतलब दो टाइगर लिए, बाकी दो अलग अलग हैं, तो टाइगर बढ़िया लगा क्या इनमें दोनों मॉडल में? इनमें क्या है, हमारे को सारे मॉडल रखने पड़ते हैं जी इस एरिया में। जी जी, जो कल अगर पूछता है या 45 कैसा है, टाइगर कैसे है, जो उनको बताना पड़ता है। जी जी, तो महाराजा तो अभी आपने चलाया नहीं? चलाया नहीं। एक टाइगर चल रहा है और एक 745 चल रहा है, इन दोनों में बेस्ट कौन सा रहता है? जो बेस्ट तो टाइगर वैसे तो है, चलने रोड खर्चे में खर्चा घटे इसका। ठीक है, तो नहीं तो क्लीन है, वो बढ़िया ट्रैक्टर है, चलने में अच्छा ट्रैक्टर है। तो कितने साल से सोनाली का ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं कल लग रहा 2011 से लिए थे, 2011 में सोनाली का लेके आए थे। एजेंसी आई थी हमारे, पदमपुर आई थी, जिगवाल जी लाए थे, जब लिया था मैंने 2011 में 750 ट्रैक्टर लिया था सोनाली का, 750। उसके बाद में लगातार आप सोनाली का एकदम चल रहे हैं। तो सोनाली का जैसे आप इतना सम्मानित किसान हैं, कस्टमर हैं, तो कंपनी का कितना कोऑपरेट रहता है आपके लिए? कंपनी बहुत प्रोवाइड करती है मेरे को जी, फ़ोन करने के देने कंपनी जब आ जाती है, बंदा भेज देती है, काम सही करती है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम आप ही कर लेते हैं, क्यों बहुत पुराने हो गए सोनाली के साथ रहने के लिए। नहीं तो कोई ज़्यादा कोई दिक्कत आती है क्या ट्रैक्टरों में सर्विस के अलावा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया आपके पास तो वो कोई भले कोई दिक्कत आ जाती है, वो तो मशीनरी है, बंदा भी ऐसे होता है, वो मशीनरी तो आदमी चलता चलता बीमार हो जाता है, बीमार हो जाता है, ये तो ट्रैक्टर है। फिर भी मतलब बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं, खराबी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंपनी उसको तुरंत निस्तारण करे, सुनवाई करे, तो वो चीज़ है, वो चीज़ होती है, सुनवाई करती है पूरी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। मिखेजा जी बंदे बढ़िया वैसे, तो सुनवाई कर देते हैं। कंपनी से भी कॉल आता है? हाँ कॉल आता है उनको, कोई डीलर से तो लगातार कोऑर्डिनेट आप बता रहे हैं, आपके मित्र ही हैं वो, तो उनको तो फोन करने की दौर है जी। यहाँ मिस्त्री सीधा अगर कोई परेशानी आ रही तो मिस्त्री यहाँ सीधा, यहाँ ट्रैक्टर चल रहा है मिस्त्री वहाँ पहुँच जाता है फिर। अच्छा, ऑन फील्ड मतलब आपको शोरूम तक जाने की भी जरूरत नहीं है, उनको फोन कर देते हैं, यहाँ ट्रैक्टर खड़ा है, वो बंदा भेज देते हैं, वो चेक करते हैं, वहाँ से ही होता है वहाँ कर देते हैं, जो कंपनी में होगा तो वो कंपनी में ले जाते हैं जी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो यादव जी, आप सारी कंपनियों के ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो अगर सोनालिका से कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट हैं, सोनालिका ट्रैक्टर अच्छा है, जब भी हमने दो से ट्रैक्टर उन्होंने भी लिए हैं, मतलब संतुष्ट हैं, इसीलिए दो और नए लेके आए जी जी। एक बंदा बढ़िया है, मिखीजा जी कम बंदे बहुत बढ़िया हैं। तो जो किसान भाई वीडियो देख रहे हैं आप, हाँ जी, उन किसान भाइयों को ट्रैक्टर खरीदते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या संदेश देंगे आप? संदेश ये देना चाहिए, जो ट्रैक्टर जिसके काम का है, मतलब जो काम करना है उस हिसाब से ट्रैक्टर अगर ले जी, ऐसा नहीं कि उसको ये मान लो आप मैं ट्रैक्टर है, मेरे को चाहिए 50 हॉर्स पावर, मैं ले लूँ 60 हॉर्स पावर ट्रैक्टर, या मैं 35 हॉर्स पावर ले लूँ, मेरा काम देखूँ मैं इंद्र में कितने हॉर्स पावर ट्रैक्टर चलेगा मेरे पास, वही ट्रैक्टर जिम्मेदार को लेना चाहिए, उसको और कोई ट्रैक्टर नहीं लेना चाहिए। मतलब उसको 4x4 की जरूरत ही नहीं, और बंदा शौक के चक्कर 4x4 शौक के लिए वो क्या करेगा, आज 1,00,000 रुपये लगा ले, कल 2 साल बाद बेचे, वो ट्रैक्टर 5 लाख बिकेगा, क्या फ़ायदा? सही बात है, शौक तो आज बहुत है लोगों को, शौक नहीं।
तो यादव जी अगर बात की जाए टाइगर की और 45 की, महाराजा तभी आपने मुहूर्त कराई नहीं तो मतलब आप उसके बारे में कुछ बता ही नहीं पाएंगे, इसकी स्पीड में और उसकी स्पीड में क्या फ़र्क है? फर्क है, टाइगर तो मान लो 40 किलोमीटर जाए घंटे में, वो 35-36 किलोमीटर जाता है घंटे में। अच्छा, मतलब थोड़ा स्पीड का फर्क है, स्पीड ज़्यादा है इसकी, एक बैठने में ट्रैक्टर अच्छा है, चलने में ट्रैक्टर मस्त लगता है। ये काफ़ी कुछ है सर प्रोजेक्ट लैंप के साथ, और इतना स्टाइलिश लुक दिया सोनाली का ना, मतलब दिल खुश हो जाता देख के। कोई बंदा और देखता है वो उसका दिल खुश होता है, अभी ट्रैक्टर बहुत अच्छा काटा है, चलने में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं, सोनालिका का विश्वास साथ में है ही है, बंदे बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हमें टाइम देने के लिए और इन सारे ट्रैक्टरों को हमें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यादव जी के ट्रैक्टर का कलेक्शन आपको कैसा लगा इस बारे में अपनी राय कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो ऐसी वीडियो हमेशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।